last time I think we have started with the boron family, and we have done up to the chemical properties. I think. क्या पढ़ा था last question? Boron halides का acidic character we all have done. मैम लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ी थी. लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ी थी बोरोन फैमिली की. गुड. और ये भी पढ़ा था कि कौन डाइमर बनाता है और कौन डाइमर नहीं बनाता. बताया था ना आपको बोरोन एंड एल्युमिनियम का केस. यस मैम. वेरी गुड. अब हम पढ़ेंगे हाइड्राइड्स. हाइड्राइड्स ऑफ द बोरोन फैमिली बेटा. आज हम कार्बन वाला भी स्टार्ट कर देंगे क्योंकि जो 11th वाला पोर्शन है उसमें हमें बोरोन कार्बन वाली दोनों को फैमिलीज को पढ़ना है. हाइड्राइड्स ऑफ द बोरोन फैमिली. हाइड्राइड्स ऑफ द बोरोन फैमिली तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें कि फॉर्मूला क्या होगा. बोरोन फॉर्म द हाइड्राइड. बोरोन फैमिली लिख देते हैं. सभी का ले लेंगे ई के मैनर में. फैमिली फॉर्म द हाइड्राइड्स ऑफ द जनरल फॉर्मूला. देखिए क्या फॉर्मूला आता है उनका बच्चा. इनकी ई लिख देते हैं इनको. प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना तो 3 हाइड्राइड लगेंगे -3 वाला. तो यानी कि कैसे लिखेंगे इसको. EH3. यस और नो. देखो क्या फार्मूला होगा. BH3 एल्युमिनियम. यस और नो. यस मैम. ओके. थैलियम इंडियम. मुझे थैलियम लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए बताओ. नो मैम बिकॉज इट शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट. +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है तो आई वांट राइट इट लाइक इंडियम. इंडियम तो मैंने लिख दिया. ये भी वैसे कम स्टेबल है तो थैलियम में तो TlH3 बिल्कुल ही नहीं लिख सकते हैं. तो दीज आर द हाइड्राइड्स. और अगर बच्चा इनकी स्ट्रक्चर की बात करें ज्योमेट्री की बात करें तो बोरोन हाइड्राइड का इस तरह का स्ट्रक्चर है हम सब जानते हैं. और ये क्या है. ट्राइगोनल प्लैनर है बेटा जी. बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री है. हाइब्रिडाइजेशन कितनी है sp3 है. कैरेक्टर कितना है. कैरेक्टर क्या है इसका. कैरेक्टर भी लुईस एसिड ही है. ठीक है ना. बोरोन जितने भी कंपाउंड बनाएगा विद द 3 वैलेंसी और ट्राइवेलेंट होगा तो उस केस में उनका लुईस एसिडिक कैरेक्टर जाएगा ही जाएगा. क्योंकि हम लुईस एसिडिक कैरेक्टर कब देते हैं उसके इनकम्प्लीट ऑक्टेट को देखते हुए देते हैं. तो वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट ही है. अच्छा तो पहले तो मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं. लिख भी देती हूँ मैं साथ में ये बात. लुईस एसिड एज इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट. बेटा अब जो बोरोन हाइड्राइड है ना ये आपका एक्ट करता है डाइमर. BH3 एग्जिस्ट एज द डाइमर. बच्चा डाइमर इसका करोगे तो क्या आएगा. डबल करो B2H6 आएगा या नहीं. अच्छा B2H6 का नाम क्या होता है. दिस इज कॉल्ड एज डाई बोरेन. हाँ इसको डाई बोरेन बोलते हैं. अब डाई बोरेन का ना पहले ऐसे करते हैं इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ डाई बोरेन कैसा है. बोरेन. अच्छा मैं ना साइड पे एक लिख रही हूँ इसका एनालॉग. क्या ये इससे मैच करेगा या नहीं. C2H6 सुना है ना सब मैंने. इथेन. यस मैम. यस मैम. B2H6 है और हमने C2H6 का तो स्ट्रक्चर पढ़ रखा है. C2H6 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना हम सब जानते हैं. अगर सेम स्ट्रक्चर मैं B2H6 का बनाऊं तो बच्चा मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा. बोरोन के साथ 3 हाइड्रोजन यहाँ पे. इस बोरोन के साथ 3 हाइड्रोजन यहाँ पे. मैंने बराबर तो बांट दिया. ध्यान रखा करो केमिस्ट्री में ना जब भी किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनानी है आपको उसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में जितना हो सके आपको उसको सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है दो पोर्शन में.
ठीक है, तो आपका आंसर सही आता है ऑलमोस्ट। कुछ एक्सेप्शंस हैं, अदरवाइज तो जितने भी ऑक्सो एसिड्स पढ़ोगे सब में ये फॉर्मूला वैलिड है। बेटा अब जब इसको मैंने इसकी तरह पे लिखा, अब इसकी तो चार वैलेंसी थी, फोर वैलेंसी है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे तो बॉन्ड आ गया। बट वॉट अबाउट दिस, यहाँ पे कैसे बॉन्ड आया? बिकॉज वेन वी आर टेकिंग द बोरॉन विद द थ्री हाइड्रोजन एटम्स, इट्स अ कंप्लीशन ऑफ द वैलेंसी ऑफ द बोरॉन। बोरॉन में तो और कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो पहली बात तो इसके स्ट्रक्चर इसके जैसे बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये इसका एनालॉगस नहीं है, ठीक है, नॉट लाइक इथेन। तो फिर ये जुड़े कैसे, इनमें कैसे बॉन्ड बना? इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग के एक लेक्चर पे, जब मैंने आपको बताया था कि मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कितने होने चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि देखो वैसे तो दो कंबाइन करने वाली स्पीशीज जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करती है ना, तो दैट इज अ स्टेबल स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। बट कोवलेंट बॉन्ड इज नॉट अ स्टिक, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू कंबाइनिंग स्पीशीज, एंड इवन द वन इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू कंबाइनिंग स्पीशीज कैन बी द रीजन फॉर द अट्रैक्शन। तो मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सिडविक की थ्योरी ने बताया, ये सजान की थ्योरी ने बताया था, सिंगलर थ्योरी ने, सिडविक ने तो मैक्सिमम कोवलेंसी बताई थी, तो इसने कहा था एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए अगर मिनिमम पूछा जाए कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही होता है। हाँ वो सही बात है कि वो बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड होगा। अब इसमें क्या होता है ना कि ये जो आपका बोरॉन है ना, ये बोरॉन पहले तो BH3 की तरह ऐसा बॉन्ड बनाता है नॉर्मल, दूसरे वाले को हम क्या करते हैं ना कुछ डिफरेंट कलर से ले लेते हैं, और मैं इसका एक हाइड्रोजन ना ऑपोजिट ऑरिएंटेशन में रख देती हूँ। बाकी तो हमारे सब स्टूडेंट्स को पता है कि बोरॉन को जब मैंने एक्साइटेड स्टेट में लिया तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है 2s1 एंड 2p2, ठीक है, 2p2 है, तो सब बच्चों को पता है ना कि इसमें एक वेकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, ये देखो इसमें एक वेकेंट ऑर्बिटल है, तो इसका वेकेंट ऑर्बिटल ना हम ऐसे लिख देते हैं ऐसे, ठीक है, और इसका वेकेंट ऑर्बिटल हम ऐसे लिख देते हैं। वैसे मुझे इसे रेड कलर से बना देना चाहिए, रुको, इसका वेकेंट ऑर्बिटल लिख दो ऐसे, अब करो इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग, वो कर लेते हैं ग्रीन कलर से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ वाले प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, यहाँ तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, यहाँ पे तो है दो दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दो दो इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वाले हाइड्रोजन ने ना जो अपना एक इलेक्ट्रॉन था, इंस्टेड कि इट विल पेयर अप इट्स इलेक्ट्रॉन विद दिस बोरॉन, इट हैज नॉट पेयर्ड इट्स इलेक्ट्रॉन अप विद द बोरॉन, उसने वो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया हाइड्रोजन का इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में। इस वाले हाइड्रोजन ने भी क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इधर, तो फिर ये यहाँ पे कैसे जुड़ा? अब ये क्या है ना, ये एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेट मी टेक द येलो कलर अगेन, अब ये एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये उसने ये तीन तीन को जोड़ा हुआ है, देखो जिसको मैंने ऐसा बनाया ना, ये तीन तीन को जोड़ा हुआ है। अब ये तीन जो है ना, इसको बोलते हैं BHB लिंकेज। अब ये BHB लिंकेज है हमारे पास टू, ठीक है, और इनको बोलते हैं ब्रिज्ड बॉन्ड, ब्रिज्ड बॉन्ड। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का काउंट देखे जरा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया, ये इलेक्ट्रॉन किसका है, ये इलेक्ट्रॉन तो है बोरॉन का, और एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन ने अपना इधर दे दिया, तो यानी कि ये जुड़ने वाली स्पीशीज तो है तीन, जिसको हम 3C लिखते हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं टू, तो ये है टू इलेक्ट्रॉन। जबकि अगर हम नॉर्मल बॉन्ड देखें तो होना ऐसे चाहिए था, दो इलेक्ट्रॉन इधर, दो इलेक्ट्रॉन इधर, चार इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, पर इसने एक नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड की तरह बॉन्ड नहीं बनाया, इसने बनाया एक इलेक्ट्रॉन से ही ये बॉन्ड, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये जो है वो BH के बीच में प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन BH के बीच में प्रेजेंट है, और ये जो स्ट्रक्चर निकल के आई ना, इट लुक्स लाइक बनाना, दैट्स व्हाई समटाइम दीज बॉन्ड्स आर आल्सो कॉल्ड एज अ बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। अब इसी तरह से आप डाउनवर्ड वाला पोर्शन भी देख लो इसका, ये देखो ऐसे, ये भी क्या है, 1 2 3 3 स्पीशीज, टू इलेक्ट्रॉन, तो 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है इसमें, और 3C2 ही बॉन्ड जो है उसमें इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ दो ही हैं,
अच्छा मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, कई बार नहीं समझ में आता है कि सी किसके लिए लिखा है। थ्री है सेंटर, टू है इलेक्ट्रॉन, ये बनाना बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड ना बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड। मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं बॉन्ड बात कर रही हूँ ये वाले बॉन्ड्स की, क्योंकि नॉर्मली कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे यहाँ पे, फोर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, बट दे आर हैविंग द टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली। टू इलेक्ट्रॉन्स आर कंबाइनिंग द थ्री स्पीशीज, जबकि होना क्या चाहिए था, फोर इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी देयर इन ऑर्डर टू कंबाइन द टू थ्री स्पीशीज इन द टू बॉन्ड्स। तो दैट्स व्हाई ये ब्रेकअप हो जाता है। या मैं ऐसे बोलूं कि जब भी मुझे ऑर्गेनिक में, मैं अभी आपको एक रिएक्शन भी करके दिखाती हूँ ऑर्गेनिक का, जब भी मुझे ऑर्गेनिक में कोई रिएक्शन करना है ना इसके साथ, या इस चैप्टर में भी है, तो वो सिर्फ ऐसे रिएक्शन देता है कि इसको ऐसे लिख देता है BH3, और रिएक्शन सिर्फ इसका लुईस एसिडिक करेक्टर का ही होता है, लुईस एसिडिक करेक्टर रिएक्शन। ठीक है, मतलब B2S6 के ये बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और ये जो इसके एक्सट्रीम में लगाए हैं ना हमने 1, 2, 3, 4, ये फोर है इसमें BH, जिसको बोलते हैं टर्मिनल बॉन्ड। ये नॉर्मल बॉन्ड्स है, देखो टर्मिनल बॉन्ड्स मतलब एक एक बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन हैं। अगर आप बात करो इसकी हाइब्रिडाइजेशन की, तो देखो भाई है तो बोरॉन के अराउंड में चार हैं, चाहे वो यू कैन से वीक सिग्मा बॉन्ड है, बट ये एक तरह से टेट्राहेड्रल जाता है। sp3 hybridization लिखोगे when it is about the BH3, but इसमें है तो ये bond है, but it is a weak bond, ठीक है? और जब भी इसके reaction होते हैं, तो सबसे पहले ये bridging bond breakup होते हैं, जिसको हम bridged banana या 3c2 type of the electrons बोलते हैं, ठीक है? तो have you understood the structures of the diborane बेटा? Yes ma'am. Okay. चलो तो ये तो हो गई स्ट्रक्चर ऑफ द डाइबोरेन। अब मैं इसका कुछ रिएक्शन देख लेती हूँ। जैसे मान लो तो मैं आ गया कि B2H6 और CO, कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? Who is going to tell me the answer to this question कि क्या बनेगा? जल्दी जल्दी, अभी मैंने एक मिनट पहले ये बात बताई है, जस्ट B2S6 को ब्रेक कर लो 2BH3 में, और इसको कैसा लुईस एसिड मान लो, और CO क्या है बच्चा, CO के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये है लुईस बेस। तो रिएक्शन में कुछ भी नहीं होना, रिएक्शन इज जस्ट लाइक दिस, जैसे आप डेटिव बॉन्ड बनाते हो, बस इतना ध्यान रखना कि बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो जो एरो का हेड है ना वो बोरॉन की तरफ कर देना। अब ये देखो B2H6 को जब आप अमोनिया के साथ ट्रीट करोगे, तो अगेन क्या लिखेंगे इसे, 2BH3 लिखेंगे। तो जब इसे अमोनिया के साथ ट्रीट करेंगे, तो अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे है आपका BH3, तो ये डोनेट करेगा। मतलब इसने रिएक्शन कैसे देने हैं आपको, एसिडिक एंड द बेस रिएक्शन। चलो इज दैट डन, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? चलो अच्छा, अब BH3+H-, ठीक है, ये भी क्या रिएक्शन है, ये लुईस बेस है, ये लुईस एसिड है, तो क्या बनेगा, BH4- बनेगा, जिसे क्या बोलते हैं, बोरॉन टेट्रा हाइड्राइड, है ना? तो ये भी एज अ रिजल्ट ऑफ द लुईस एसिडिक बेस रिएक्शन है BH4। और इसका नाम सुना हुआ है ना तुम लोगों ने, BH4- के साथ अगर NaBH4 लगा दो, तो बेटा ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, क्या नाम है इसका बताओ मुझे, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, यस और नो? हाइड्राइड क्या है, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, आरए लिख देती हूँ समझ जाना, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, जहां पे भी रिडक्शन करानी है तो आप इसको यूज करते हो। अब इसका मतलब है जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जब मैं बताने जा रही हूँ, ये पूरी ऑर्गेनिक में बहुत काम आती है,
जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे NaBH4 नेगेटिव लगाओ तो कैसे रिएक्शन करोगे, बहुत स्टूडेंट इसमें मिस्टेक करते हैं। अब तो तुमने इसका स्ट्रक्चर जान लिया, तुम्हें पता है कि Na प्लस है और BH4 नेगेटिव होगा। अब BH4 नेगेटिव क्यों बना है, लुईस एसिड बेस्ड रिएक्शन है, वो सब पता है तुम्हें। अब ये देखो BH4 नेगेटिव की ये स्ट्रक्चर है, बताओ ये स्ट्रक्चर सबको आती है, टेट्राहेड्रल एंड ऑल, आप लोगों ने सब ये केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा है। यस हाँ जी यस मैम, यस मैम। तो अगर मैं बोलूं कि तुम इसका इस पे अटैक करा दो तो मुझे बताना जरा कैसे कराओगे, कहां से कहां पे इलेक्ट्रॉन लेके जाओगे, वेयर द इलेक्ट्रॉन्स वुड गो। तो कार्बोनिल तो तुमने ऐसे लगा दिया जैसे तुम शुरू से लगाते हो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो बोरॉन टेट्राहाइड्राइड में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इट इज नॉट हैविंग एनी लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन देता है, ये अपना सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करता है और एच नेगेटिव यहाँ पे जाता है, तो एच नेगेटिव को बोलते हैं हाइड्राइड, क्या बोलते हैं हाइड्राइड, तो इससे हाइड्राइड अटैक होता है, ठीक है। और ये एक सिग्मा डोनर है, बहुत अच्छा, नहीं तो मोस्टली तो तुम लोगों ने पढ़ा है ना ऑर्गेनिक में, सबसे ज्यादा टेंडेंसी जो होती है दैट इज फॉर द लोन एनबी नेगेटिव, मतलब लोन पेयर विद द नेगेटिव चार्ज मूव करने की, उसके बाद एनबी, उसके बाद पाई, उसके बाद सिग्मा, तो सिग्मा सबसे वीक डोनर होते हैं। बट BH4 नेगेटिव में ऐसे नहीं सोचना कि नेगेटिव चार्ज है तो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये एनबी नेगेटिव है ही नहीं, कैसे आया इसके पास एनबी, आप खुद देखो ना इसकी स्ट्रक्चर से। तो जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या इनऑर्गेनिक में भी कहीं भी कोई रिएक्शन हो तो याद रखो दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड द अटैक ऑफ द हाइड्राइड इज टेकिंग प्लेस थ्रू इट, इट इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज बट थ्रू इट्स स्ट्रक्चर यू पीपल कैन गेट attack of the H negative only. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Bad. मैंने बोला था कि मैं आपको एक रिएक्शन भी BHC लिख लिया and twice कर लिया उसको, तो अब क्या होगा ना बेटा इस structure में, जैसे मान लो आपके पास पेपर में आ गया ये, what is the name of this compound? बोलो प्रोपीन। हाँ तो प्रोपीन का इसके साथ डाइबोरेन के साथ रिएक्शन कैसे करोगे B2S6 के साथ, फिर से वही बात B2S6 को BH3 लिखो, मैंने ट्वाइस ऑफ BH3 लिखो, मुझे स्लाइड शिफ्ट करनी है तब मैं बता पाऊंगी, रुको। जो आपका था CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी भी अल्काइल हैलाइड में, पर यहाँ पे टॉपिक आया तो मैं बता देती हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ आता है जहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ो। अब इसको BH3 लिख दिया, अब BH3 को ना ऐसे ब्रेकअप करो, क्या इसके पास लोन पेयर है, नो मैम, क्या इसके पास NB नेगेटिव है, नो मैम, क्या इसके पास पाए है, नो, तो इसके पास क्या है, सिर्फ सिग्मा है, तो यहाँ से भी ये सिग्मा ही डोनेट करता है और ये जाएगा नेगेटिव और ये जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे तुम लगाओगे MR, MR का मतलब क्या होता है, मार्कोनिकोफ रूल, यस और नो बेटा, यस मैम। जो मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है कि बेटा म्यूट पे रहो, क्योंकि मुझे आप लोगों से ना डिस्कशन करना होता है तो आई कांट म्यूट यू ऑल द टाइम, सीनियर स्टूडेंट हो आप, तो बेटा अगर यहाँ से नेगेटिव जाएगा तो कैसे होगा रिएक्शन सोचो, तो negative part of the attacking reagent will join to that carbon atom of the double bond which is containing the lesser number of hydrogen atom. तो पहले ये दो double bond वाले carbon atom है, इसमें से कम hydrogen किसके पास है, इसके पास है, तो ये negative जाएगा यहाँ पे, देखना जरा ध्यान से reaction, negative इसके पास जाएगा तो यहाँ पे positive होगा ना, फिर ये इधर आ जाएगा, ये negative हो जाएगा और यहाँ पे positive आ जाएगा, तो देखो क्या बना, ध्यान से देखना, CH3 CH2 बन गया और CH2 बन गया और यहाँ पे क्या लग गया, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव मतलब BH2, तो ये बना। अब ये रिएक्शन तब तक होता रहेगा जब तक इसमें से सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से इस पे मार्कोनिकोफ रूल लगाएंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं इसके दो हाइड्रोजन में से ना एक हाइड्रोजन फिर से अलग कर दे रही हूँ, ये हाइड्रोजन मैंने अलग कर दिया, अब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे जाएगा और ये वाला जो पूरा ग्रुप है, क्योंकि ये तो नेगेटिव बन गया, ये पूरा पॉजिटिव बन गया, फिर से MR लगाओ, CH3 CH2 CH2 और BH, ये किसके साथ जाएगा, ये जाएगा इसके साथ, यानी कि CH2 और ये हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा CH2 एंड CH3, तो इसको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सिंपली पता कैसे लिखते हैं, CH3 CH2 CH2, इसको ट्वाइस कर देते हैं
और साथ में लिख देते हैं BH. अब तुम्हें एक आइडिया बन रहा होगा कि अब कैसे होगा रिएक्शन. अब फिर से अभी इसके पास एक H पेंडिंग है ना, तो फिर से ले लो एक एल्कीन. तो जब फिर से एक एल्कीन ले लोगे तो फिर ये ट्रिपल हो जाएगा. CFA से मार्कोनिकोफ रूल लगा. बच्चे कहते हैं ये एंटी मार्कोनिकोफ रूल का क्वेश्चन है. कहाँ से एंटी मार्कोनिकोफ रूल का क्वेश्चन है? अब देखो तो सही कि BH3 कैसे दे रहा है. BH3 H नेगेटिव दे रहा है और H नेगेटिव बिल्कुल मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग ही जा रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जब ऐसा प्रोडक्ट बनता है तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल होता है. चलो हमें ये नहीं डिस्कस करना है कि कोई क्या मिस्टेक करता है, हमें नहीं करनी है. तो यहाँ पे बी आ गया. अब यहाँ पे फिर से क्या होगा ना, 3 molecules of H2O2 डाल देते हैं. तो 3 OH इसके साथ, 3 OH इसके साथ. तो 3 OH इसके साथ मिले तो क्या बन गया, ये बन गया बच्चा जी तुम्हारा एल्कोहल फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे बन गया H3BO3 बोरिक एसिड. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ये है अल्काइल हैलाइड में. मेरा ये आपको यहाँ पे ये रिएक्शन करवाने का ये मीनिंग था कि जब भी डाइबोरेन का रिएक्शन आता है ना, तो तुम्हें ये बात ध्यान में रखनी है कि डाइबोरेन के रिएक्शन में या BH3 के रिएक्शन में हमेशा H नेगेटिव का अटैक होगा. दिस इज अ वेरी गुड सिग्मा डोनर और हाइड्राइड अटैक होता है, और वो भी सारा मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग. तो एन सोडियम बोरॉन हाइड्राइड वाले केस में भी, B2S6 वाले केस में भी. अब मेरे ख्याल से जब आपको कोई ऐसा रिएक्शन आए तो वो लॉजिकल रीजनिंग पूछता है, कोई ऐसे नहीं है कि आपको रट्टे मरवा रहे हैं कि किसमें क्या प्रोडक्ट बनता है. ठीक है, तो ये समझ में आया सभी को? एल्युमिनियम का हाइड्राइड भी जो है ना, लेट्स डिस्कस क्विकली. एल्युमिनियम की का भी जो हाइड्राइड होगा ना, वो AlH4 नेगेटिव एग्जिस्ट करता है. कभी कभी वो ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि AlH3 और AlH4 नेगेटिव में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो वो तो आपको बहुत अच्छे से आती है. AlH3 में हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, जैसे अभी तुमने मुझे भी करेक्ट करवाया था ना कि मैम BH3 की ऐसे लिखो, तो बेटा वो तो आपको आती है. तो इसमें क्या आएगा, इसमें sp3 आएगा. बॉन्ड एंगल पूछता है, तो जब तक आपके पास सराउंडिंग एटम सारे सेम होते हैं आपको बॉन्ड एंगल नहीं चेंज करना है. बॉन्ड एंगल वही टेट्राहेड्रल वाला 109.5 और इसका 120 degree. यस और नो? यस मैम. यस मैम. चलो गुड. अच्छा अभी इसका ये तो हमें हाइड्राइड भी क्लियर है कि अच्छा कैसा कैरेक्टर रखेंगे. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो एसिडिक कैरेक्टर रखेंगे. बाकी आपको हाँ ये लिख भी देती हूँ, BEXH लिखा H है ना, हैलाइड तो कर लिए. EH3 ये होंगे आपके एसिडिक. तो डाउन द ग्रुप बताने की रिक्वायरमेंट है कि एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा. डाउन द ग्रुप बच्चा जी एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस. डन बेटा? Yes, तो ये हो गया हमारा हाइड्राइड. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मेरे पास एक रिएक्शन प्रस्पेक्टिव से पूछ बता रही हूँ मैं, कोई टॉपिक नहीं है. जैसे उसने पूछा कि एल्युमिनियम को अगर HCl के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनता है. अब एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड भी है ना, वो एम्फोटेरिक कैरेक्टर रखता है, मतलब एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है. एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है तो इसका मतलब एल्गली के साथ भी रिएक्ट करेगा और एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा. सो एज द एल्युमिनियम, 2 moles ऑफ एल्युमिनियम को जब HCl के साथ रिएक्ट करोगे ना एक्वस फॉर्म में, मैं बैलेंसिंग कर देती हूँ, तो कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाता है Al+3, ठीक है, +6 Cl- +3 hydrogen. यू पीपल कैन क्लब इट आउट. आप इसको AlCl3 twice भी कर सकते हो, ठीक है. तो ये कंपाउंड बनता है. तो बच्चा अगर इसने HCl के साथ रिएक्ट किया तो ये खुद क्या हुआ अभी, बेस. तो अगर इसको रिएक्ट करूं मैं NaOH के साथ, ठीक है, थोड़ा सा हमें एक्वस कंडीशन के लिए बैलेंसिंग के लिए वाटर लगाना पड़ेगा. तो आपके पास बनता है 2Na+, लिख देते हैं इसमें AlOH4- +3 molecules of hydrogen. दिस इज कॉल्ड एज, ये आप अभी 12th में पढ़ते हो ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो ये सोडियम टेट्रा ऑक्सी एल्यूमिनेट है. अभी के लिए नहीं भी नाम आता तो वो जब चैप्टर आएगा तो आपको आ जाएगा. सोडियम टेट्रा, इसमें लिगेंड्स का पहले नाम देते हैं,
मेटल्स का बाद में नाम देते हैं और मेटल के नेम के पीछे 8 लगा देते हैं अगर आपका नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि ये नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट, ठीक है, इस तरह के कंपाउंड। बाकी कुछ मैं बोरॉन के आपको रिएक्शंस जनरल में बता देती हूँ कि बोरॉन कैसे कैसे रिएक्ट करता है, कई बार पूछ लेता है तो आप रोड मैप से थोड़ा ध्यान रखना। अगर आपको बोरॉन को रिएक्ट करवाना है लाइक होट कंसंट्रेटेड नाइट्रस नाइट्रिक एसिड से तो क्या बनेगा, व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट, तो आपका प्रोडक्ट बनता है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, उनको प्लस NO2 ये बन जाएगा। इसी बोरॉन को अगर थोड़ा सा ध्यान में रख लो, जब कभी ऑप्शन में या सब आ जाए तो आपको फिर याद रहेगा। अगर बोरॉन को आप मेटल के साथ ट्रीट कराते हो लाइक कैल्शियम के साथ या मैग्नीशियम के साथ, तो आप डिपेंडिंग अपॉन द वैलेंसी आप इसका आंसर दे सकते हो। जैसे मुझे कैसे पता लगेगा कि क्या, अच्छा इतना तो जान लोगे ना बोरॉन और मैग्नीशियम में से पॉजिटिव कौन सा होगा और नेगेटिव कौन सा होगा, तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर बोरॉन के साथ रिएक्ट करेंगे तुम इतना नहीं पहचानोगे पेपर में कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। मैग्नीशियम पॉजिटिव बोरॉन नेगेटिव, तो मैग्नीशियम प्लस होगा तो कितने प्लस होगा बताओ जरा मुझे, 3+2 2+ तो अगर बोरॉन नेगेटिव होगा तो कितने नेगेटिव होगा, हाउ मच नेगेटिव, बोरॉन कितने इलेक्ट्रॉन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द बोरॉन, 3 हाँ 3 हाँ, तो कितने नेगेटिव चार्ज ये बियर कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, अच्छा ये बोरॉन है 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ठीक है, तो ये ऐसा बन गया, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और कैसे आ सकता है, वेदर इट कैन बी 1-, इट कैन बी 2- और इट कैन बी 3-। 1- होगा तो सारे अनपेयर्ड हो जाएंगे ना, है ना, तो थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, ऐसे भी बना सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फिर पेयरिंग हो जाएगी, इस तरह से कंपाउंड आप इसका बना सकते हो। अच्छा बाकी आपको ये पता ही है कि हैलोजन्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ऑक्साइड कैसा देगा ऑक्सीजन के साथ, B2O3 टाइप का, यस मैम, हाँ जी, NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो Na2BO3 देता है, ठीक है, ऐसे कुछ कंपाउंड्स देता है। वाटर के साथ भी रिएक्ट करके ये ऑक्साइड दे देता है, अगर आप इसको वाटर के साथ भी रिएक्ट करोगे ना तब भी आपको B2O3 और हाइड्रोजन मिलेगा। अच्छा नाइट्रोजन के साथ ये कैसा बताएगा रिएक्शन बताओ तो, बोरॉन 3+ नाइट्रोजन 3-, तो 3-3 काट दो, क्या बन गया, BN बन जाएगा या नहीं, बोरॉन नाइट्राइड बोलते हैं इसको। चलो अच्छा मैंने ये बोरेक्स के बारे में बताया था आपको, Na2B4O7-10 वाटर, ये होता है बोरेक्स, ठीक है, और बोरेक्स ना बेटा ओर है बोरॉन का। अब जब हम इसको, ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, जब हम इसको हीट करते हैं ना तो व्हाट वुड हैपन, पहले तो इसका वाटर चला जाएगा। अब जैसे कई बार ऐसा भी लिखा होता है रिएक्शन कि पहले इसको 7 वाटर लगा देते हैं फिर उसके बाद फिर से हीट करते हैं, तो इसके ये 7 वाटर भी ये डिहाइड्रेट हो जाता है Na2B4O7। अब इसको अगर फर्दर हीट करो तो पहले तो बनता है NaBO2, सोडियम मेटाबोरेट बोलते हैं इसे, इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, सोडियम मेटाबोरेट, और फर्दर इसे हीट करो ना तो ये एंड प्रोडक्ट जो देता है ना, ये याद रख लेना भाई, B2O3 देता है बच्चों, बोरिक एसिड, इसका नाम बोरिक, इसी का नाम है बोरिक एसिड, ये फर्दर नहीं देता, ये है बोरिक एसिड,
सॉरी 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 बोरॉन एनहाइड्राइड, बोरिक तो पड़ा H3BO3 है, बोरॉन एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन याद रख लेना, B2O3 लास्ट में फॉर्म होता है। ठीक है जी, यस मैम, ये थोड़े थोड़े ध्यान में रखने पड़ेंगे कि कैसे क्या बनता है। बाकी इसमें एक आपको ये भी बताना है इसमें कि जो आपका अनसिमेट्रिकल, हाँ पिछली स्लाइड दिखाऊं, लो बोरिक एनहाइड्राइड है, बोरिक एनहाइड्राइड जो आपकी स्मॉल एमीन्स है ना, वो इसके साथ कुछ कंपाउंड देती हैं, वो भी एक बता देती हूँ, बस ये लास्ट रिएक्शन है, देन विल मूव टू द नेक्स्ट ग्रुप। डन बेटा? यस मैम, यस मैम। जैसे आपकी जो स्मॉल, बाकी तो आपको पता है कि एमीन्स या अमोनिया कुछ भी रिएक्ट करेगा BH3 के साथ, तो दिस इज अंडरस्टूड कि एसिड बेस्ड रिएक्शन ही होगा। तो जो आपकी स्मॉल एमीन्स होंगी, स्मॉल एमीन्स में देखो क्या क्या इंक्लूड होता है, एक तो अमोनिया आता है, एक इसमें मिथाइल अमीन आती है, और एक इसमें डाइमिथाइल अमीन आती है, डाइमिथाइल अमीन। तो जब ये रिएक्ट करेंगे किसके साथ, आपके BH3 के साथ, तो इसमें अनसिमेट्रिकल क्लीवेज होती है डाइबोरेन की। रिएक्शन देख लो, B2H6 है, इसको जब मैंने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो जो एसिड बेस रिएक्शन होता है ना, उसमें ऐसा कंपाउंड भी फॉर्म हो जाता है BH2। देखो ये BH3 में बदलेगा, तो उसमें से BH2 एक हाइड्रोजन हटा के कुछ अमोनिया के मॉलिक्यूल इसके साथ लग जाते हैं, 2 लग गए, ठीक है, और एक आपका बन गया इसमें BH4, और ये BH4 नेगेटिव हो जाता है और ये प्लस हो जाता है, ये नॉन पेरोफेरेटिन उसको डोनेट कर देता है, तो कोई कई बार ऐसा कंपाउंड भी फॉर्म हो जाता है। ठीक है, एक आपको ना इसमें बोरिक एसिड के बारे में भी बताना है, कहाँ पे यूज करते हो बोरिक एसिड को? कई बार आईज में बहुत इरिटेशन होती है, तो उसे वाटर में डिजोल्व करके पाउडरी फॉर्म सा होता है, सॉफ्ट सा, इससे आईज भी वॉश करते हैं। तो बोरिक एसिड क्या होता है ना, देखो H3BO3 होता है, इसकी भी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लो, H3BO3 की स्ट्रक्चर कैसी होगी, अब इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, BOH3, तो B के साथ 3 OH लगा लो, तो बिल्कुल ये वैसी स्ट्रक्चर हो गई, SP2 हाइब्रिडाइजेशन है और ट्राइगोनल प्लानर है। अब ये बोरिक एसिड है, अब बेटा जब बोरिक एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं ना, देखो तो कुछ इस तरह का रिएक्शन होता है, वाटर तो तुम्हें पता है H+OH नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा, अब इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसके पास है स्पेस लेने के लिए, तो ये कुछ ऐसा बना देता है BOH4 नेगेटिव टेट्राहाइड्रोक्सी। अब आप इसको ध्यान से देखो, तो जब इसको मैं डिसोसिएट करूंगी तो ये क्या देगा, तो ये दोबारा BOH3 और OH नेगेटिव नहीं दे देगा, जिस जो स्पीशीज OH नेगेटिव रिलीज करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं या बेस बोलते हैं? बेस। इसलिए बोरिक एसिड के बारे में बोला जाता है कि ये मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड, व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मोनोबेसिक एसिड, क्योंकि जब इसको वाटर में डिजोल्व करते हो तो वाटर से हाइड्रोक्सी ले लेता है, और जब ये इक्विलिब्रियम होता है एस्टेब्लिश, तो इसमें OH नेगेटिव आयन रिलीज होता है, तो OH नेगेटिव आयन का रिलीज होना, तो दैट मींस इट एक्ट्स लाइक अ बेस। ठीक है, अच्छा एक और इसमें बताना था, मैं प्रीवियस स्लाइड से ही ले लेती हूँ, बस थियोरी में ही बताना थोड़ा सा। देखो यहाँ पे ना एक टेस्ट की केमिस्ट्री आती है, जिसे हम बोलते हैं ये वाले रिएक्शन में बोरेक्स बीड टेस्ट, बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स बीड टेस्ट क्या होता है ना, जब हमने बोरेक्स को हीट किया तो पहले तो इसमें से डिहाइड्रेटेड फॉर्म इसकी आ गई, वाटर का लॉस हो गया, तो वाटर का जब लॉस हो गया तो इसमें क्या हुआ, सोडियम मेटाबोरेट फॉर्म हो गया, तो सोडियम मेटाबोरेट की जगह अगर मैं यहाँ पे कोई मेटल ले लूँ, मान लो उस बोरेक्स में ही कोई मेटल ले लूँ, जैसे मैंने कोई कॉपर ले लिया या कोबाल्ट ले लिया या आयरन ले लिया, कोई भी मेटल जो आपकी डी ब्लॉक की मेटल है, ट्रांजिशन
मेटल्स, तो उसका जो भी कलर होगा ना, अभी तक ना ये ट्रांसपेरेंट कलर की बीड फॉर्म होती है यहाँ पे. सोडियम मेटाबोरेट एक ट्रांसपेरेंट कलर का बीड है, उसकी तरह होता है, मतलब इसका कोई कलर नहीं है. तो जब आप क्या लोगे यहाँ पे, कोई ट्रांजिशन मेटल लोगे, तो सोडियम मेटाबोरेट की जगह उस पर्टिकुलर मेटल का बोरेट फॉर्म हो जाएगा, है ना, उसका मेटाबोरेट फॉर्म हो जाएगा और वो उस पर्टिकुलर ट्रांजिशन मेटल का कलर देगा. तो जब हम सॉल्ट एनालिसिस करते हैं ना, दिस पर्टिकुलर बोरेक्स बीड टेस्ट इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एसिडिक रेडिकल्स कि कौन सी ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट है. हम उसे बोलते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट करके देख लो. तो मेटल में आपने बोरेक्स मिलाया, उसको हीट किया, तो वो मेटल का मेटाबोरेट फॉर्म हो गया. तो जो मेटल का कलर है वो मेटाबोरेट का कलर आ जाएगा, क्योंकि मेटाबोरेट वैसे तो क्रिस्टलाइन है, तो दैट मीन्स वो उसका अपना कोई कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट है. तो इसलिए इसको एक टेस्ट की फॉर्म में भी यूज करते हैं. ठीक है बेटा? यस मैम. चलो इसमें तो कवर अप हो गया आपका, बोरिक एसिड का भी बता दिया. अब इसमें क्या करना है आपको, कार्बन फैमिली पढ़ते हैं. कार्बन फैमिली बहुत आसान है, सब बच्चों को आती भी होती है, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है. कार्बन फैमिली कौन सा ग्रुप हुआ पीरियोडिक टेबल का, बताओ जल्दी से. ग्रुप नंबर 14. ग्रुप नंबर 14, शाबाश. एलिमेंट्स के नाम क्या क्या है बेटा? कार्बन है, सिलिकॉन है, टिन है, लेड है. ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है. एटॉमिक नंबर के लिए याद है ना आपको बताया था, 8, 18, 18, 32. ठीक है, फिर बताओ मुझे सिलिकॉन का कितना होगा जल्दी जल्दी. 14. एंड व्हाट अबाउट द जर्मेनियम? 32. 32. व्हाट अबाउट द टिन? 50. व्हाट अबाउट दिस? 82. लेड. ठीक है, लेड में पी भी होता है, प्लम्बम होता है वैसे इसका नाम, और लेड बोलते हैं इसे. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सबको पता है, 2s2n2p2, 3s2n3p2, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एवरीवेयर, 4s2, 3d10, 4p2, 5s2, 4d10, 5p2, 6s2, 4f14, 5d10, 6p2. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. और कार्बन फैमिली इतनी स्पेशल क्यों है सब बच्चों को पता है. यहाँ पे क्या है, ये टेट्रावेलेंट है, और टेट्रावेलेंट है तो कैसा कंपाउंड बनाएगी? कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगी. देखो जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3. दे आर हैविंग अ टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आयनिक कंपाउंड. अगर 5, 6, 7 है तब भी उनकी वैलेंसी 8 माइनस करके आ जाएगी, तो वो भी आपके आयनिक कंपाउंड हो गए. जिसके वैलेंस शेल में 4 है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लूज एंड गेन द 4 इलेक्ट्रॉन. सो व्हाट इट वुड डू, इट वुड सिंपली शेयर द इलेक्ट्रॉन. तो बाकी स्टार्टिंग एलिमेंट्स जो हैं इसके, कार्बन तो आपका नॉन मेटालिक कैरेक्टर रखता है, और सिलिकॉन के बारे में आपको बहुत कुछ पता होगा ये क्या है. सेमीकंडक्टर्स भी पढ़ते हो ना इसके? यस सर. ये सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर्स की में यूज होता है. मेटालाइड है ये भी मेटालाइड कैरेक्टर रखता है. ठीक है, तो मेटालाइड्स हैं सेंटर में, ऊपर नॉन मेटल्स हैं. मेटालॉइड्स और डाउन द ग्रुप कैसा करेक्टर आ जाता है? आयनिक करेक्टर. लेड के बारे में तो सबको पता ही. अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहीं पे कर लो जल्दी जल्दी से. कार्बन के केस में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, देखो कार्बन की क्या क्या पता है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट. नॉर्मल एलिमेंटल फॉर्म में भी अगर कार्बन एग्जिस्ट करता है तो कार्बन जीरो होगा. कार्बन सी ओ की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो प्लस टू होगा. कार्बन सी ओ टू की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो प्लस फोर होगा, है ना. और कार्बन अगर एच के साथ है तो हाइड्रोजन, मैंने पहले ही अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत जीओसी में पढ़ा है इसको, कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, कार्बन की ज्यादा होती है, तो ये माइनस फोर होगा. यहाँ पे ये प्लस वन होगा. ठीक है, तो यानी कि माइनस फोर टू प्लस फोर, इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है कार्बन. ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली?
What about the rest of the members of the family? Plus two. Plus two along with plus four. Along with plus four and down the group. The stability of plus two oxidation state increases. Plus two oxidation state increases due to what? Inert pair effect. Inert pair effect. PB forms what? PB forms only plus two oxidation state. Lead ke case mein sirf hi plus two oxidation state hoti hai. अच्छा चलो देख लेते हैं इसको. अच्छा फिर मैं उसी स्लाइड पे लिख देती हूँ. रुको मैं कलर चेंज कर लेती हूँ. आप तब तक नोट भी करते रहो और धीरे धीरे समझाते हैं, मुझे टाइम लग जाएगा. अच्छा बेटा PbCl4 क्या एग्जिस्ट करेगा? देखो ये रिपीट क्वेश्चन है, ये पहले भी आपको बताया मैंने कैसे एग्जिस्ट करेगा PbCl4. मेरे कहने का मतलब है कि स्टेबल है, अनस्टेबल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या जानते हो इसके बारे में? दैट यू हैव टू टेल. मैम रिड्यूसिंग एजेंट. अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, कैसे पता लगेगा हमें? इतना तो पता है कि इसमें प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ये भी तुम्हें पता है कि प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल है. यू हैव जस्ट टोल्ड मी. यस मैम. तो बेटा क्या प्लस टू में कन्वर्ट हो जाएगा? PbCl2 और 2Cl नेगेटिव, ऐसा कुछ बन जाएगा. यस मैम. तो प्लस टू में, तो प्लस फोर से प्लस टू क्या आ गया आपका? रिडक्शन है ना. रिडक्शन आ गया तो इसका मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा, क्योंकि प्लस फोर से प्लस सिक्स तो नहीं जा सकता ना, प्लस टू ही जा सकता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अच्छा अगर मैं तुम्हें पूछूं कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट लगाओ, तो क्या ऑर्डर लगाओगे? ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाओ, बताइए. प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, कहाँ पे कम स्टेबल है? मैम कार्बन में लेस स्टेबल होगी और जो लास्ट एलिमेंट है लेड उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल होगी. शाबाश. सबसे ज्यादा पीबी में होगी, फिर टिन में होगी, फिर जर्मेनियम में. इवन की कार्बन को तो हम लिख भी नहीं रहे हैं. लिखोगे तो लिख सकते हो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, वो तो प्लस टू देते ही नहीं, स्टेबिलिटी तो दूर की बात है. प्लस टू देते हैं तो वो अनस्टेबल है इन कंपेरिजन टू the rest of the members of the family. ठीक है, देता है सिलिकॉन भी देता है, प्लस टू कार्बन भी देता है, हमने लिखा भी है, बट ये स्टेबिलिटी का आप लगा सकते हो सिलिकॉन और कार्बन भी. तो आप ध्यान से करना पेपर में क्वेश्चन, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी पूछी हुई है. अब मुझे ये बताने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना कि प्लस फोर की पूछे तो ऑपोजिट ऑर्डर आएगा. यस मैम. चलो गुड. अच्छा उसके बाद रिएक्टिविटी टुवर्ड द ऑक्सीजन, reactivity toward the oxygen. Oxygen के साथ तो सबको पता है oxides बनाता है, एक तो molecular formula होगा oxides का MO and एक होगा MO2. ठीक है, जैसे carbon carbon monoxide वाला CO. ठीक है. अच्छा इसकी resonance भी देख लेते हैं भाई. C एंड O में अगर तो है सिंगल बॉन्ड, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन नेगेटिव तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं. और अगर कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन पे फिर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी देयर ऑन कार्बन? थ्री. यस, वन इलेक्ट्रॉन हियर एंड नाउ वन टू थ्री फोर. तो ये तो फिर आ गई आपके पास योर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, किसमें ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अगर कार्बन और ऑक्सीजन में हो. अच्छा या फिर ऐसे करते हैं ना इसको, हम इसको प्लस कर देते हैं, न्यूट्रल हो गया. चलो अब अगर कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री. अगर कार्बन और ऑक्सीजन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या स्ट्रक्चर हो सकती है? ऐसी स्ट्रक्चर हो सकती है, थ्री है फोर फाइव
प्लस, थ्री है, फोर फाइव नेगेटिव. तो मैं ना तुम्हें ये स्ट्रक्चर्स दे रही हूँ, वन टू थ्री. तुम इन तीन स्ट्रक्चर्स को मिला के ना मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दो इनमें. कैसे सिखाया था केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड ऑर्डर निकालना, हाउ वी विल कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर? मैम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एनी टू एटम्स एंड डिवाइडेड बाय द टोटल रेजोनेंस स्ट्रक्चर. गुड, थ्री टू वन, तो कितने हो गए? सिक्स. और कितनी स्ट्रक्चर्स हैं बच्चा? थ्री. तो कितना आंसर आ गया? टू. तो इसका मतलब है जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है वो ये. वैसे भी आप इसको ना थ्रू द रेजोनेंस भी समझा सकते हो. रेजोनेंस के अकॉर्डिंग भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना कि अगर आपके पास स्ट्रक्चर के बीच में एक, मतलब एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर है और बाकी चार्ज स्ट्रक्चर है, तो न्यूट्रल वन वुड बी मोस्ट स्टेबल इन कंपेरिजन टू द चार्ज वंस. इज इट क्लियर ना? इसमें तो कोई इश्यू नहीं है. ये सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होगी क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है, और ये सबसे अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगी. कोई मुझे बता सकता है थर्ड वाली अनस्टेबल क्यों होगी? आता है तुम्हें ये? व्हाई थर्ड वुड बी द अनस्टेबल स्ट्रक्चर नॉट स्टेबल? ऑक्सीजन पे चार्ज देखना क्या लगा हुआ है. पॉजिटिव. पॉजिटिव. कैन द ऑक्सीजन बियर द पॉजिटिव चार्ज? नो मैम. दैट मींस ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है. चलो अब ले लेते हैं CO2. CO2, तो CO2 तो जानते हो बेटा तुम, C double bond O, C double bond O, and regarding the charges 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब इसका रेजोनेंस कैसे देंगे? इसका रेजोनेंस देने के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे. तो दिस इज अ कार्बन सिंगल बॉन्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 नेगेटिव. एंड यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा मैंने इधर को मूव किया तो फिर यहाँ पे पहले ट्रिपल लगाना पड़ेगा. इधर को मूव किए है ना इलेक्ट्रॉन, तो पहले आएगा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, दो बच जाएंगे, और यहाँ पे सिंगल, यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 तो पॉजिटिव, 1 2 4 6 and 1 7 एक एक्स्ट्रा डॉट नीचे लग गया, उसको हटा देते हैं. चलो एक स्ट्रक्चर ना आप बिल्कुल इससे अपोजिट लगा लो, जिसमें सी और ऑक्सीजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे कर लो. दिस इज अ पॉजिटिव, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 नेगेटिव. अच्छा अगर मैं इन स्ट्रक्चर्स को नंबर दे दूँ 1 2 and 3, तो हाउ यू विल शो द स्टेबिलिटी ऑर्डर? कैसे बताओगे इसको स्टेबिलिटी ऑर्डर? पहले तो चलो बॉन्ड ऑर्डर निकाल ले इसका, बाद में करेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर तो पहले इस फॉर्मेट में सेम देख लो कोई भी. हाँ, 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, 6 by 3, 2 अगेन है ना. चलो गुड. अब क्वेश्चन ये है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे करेंगे. स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका बहुत आसान है. फर्स्ट स्ट्रक्चर न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगी. सेकेंड और थर्ड स्ट्रक्चर में कुछ आपको डिफरेंस नजर में आ रहा है? अरे उसको उल्टा करके रख दोगे ऐसे तो yes, बन जाएगी. कुछ नहीं है लग रहा है आपको, बस सेकेंड वाली स्ट्रक्चर को आप ऐसे घुमा के रख दो ना तो नीचे वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी. yes, ma'am. हाँ ठीक है. सेकेंड और थर्ड का कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो दे आर इक्वल एंड स्टेबिलिटी. ठीक है. अच्छा ऑक्साइड्स की नेचर कैसी होगी? अगर मैं तुम्हें पूछूं कि एक मैंने तुम्हें दे दिया MO2, एक मैंने दे दिया MO, तो एसिडिक करेक्टर बता दो. एसिडिक करेक्टर किसका ज्यादा होगा? यस MO. MO2. हाँ MO2. कैसे पता मैम? क्योंकि MO वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और जो MO2 पे नहीं होगा. सीधी सी बात है, जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है ना उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है. ठीक है. मैम लास्ट स्लाइड दिखाना एक मिनट. लास्ट स्लाइड कह रहे हो? यस मैम. जैसे MO2 में आप चार्ज कैलकुलेट करोगे तो वो प्लस फोर आएगा, और MO में चार्ज कैलकुलेट करोगे तो प्लस टू आएगा, तो प्लस फोर और प्लस टू. ठीक है बेटा, कौन सा स्टेप ज्यादा एसिडिक होगा? प्लस फोर वाला. ठीक है ना. तो ऑक्साइड्स में तो कोई दिक्कत होगी नहीं इसके. ठीक है. सिलिकॉन कैसे ऑक्साइड्स बनाएगा? SiO2 बनाएगा, ये भी कार्बन की तरह ही.
अच्छा, कार्बन और सिलिकॉन में से स्ट्रक्चर इसकी भी आप वैसे ही दे सकते हो, इसमें सिलिकॉन आ जाएगा सेंटर में, फिर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना देगा उसके। अच्छा, इसका एक रीजनिंग क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, इसको मैं स्टार लगा दिए, दो ध्यान रखना। पहले हैलाइड बता दो, फिर इसके साथ ही वो क्वेश्चन करा दूंगी। हैलाइड्स ऑफ कार्बन फैमिली, रिगार्डिंग द हैलाइड्स ऑफ द कार्बन फैमिली दैट इज फॉर्मिंग द टेट्रा हैलाइड्स। टेट्रा हैलाइड्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा जाएगा? X4 आएगा इसमें, और साथ में आप E लगा लो या M लगा लो। M वैसे जस्टिफाइड नहीं है, मैंने M लगा तो दिया है, मुझे E लगा देना चाहिए था। M का मतलब होता है मेटल, ये मेटालिक कैरेक्टर नहीं रखते हैं, ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर रखते हैं। जनरल में हम लिख तो देते हैं, पर ये इसका इससे बेटर है कि इसको ई से रिप्लेस कर लेना। वो तो खैर आपने जर्नल में लिखा है, एग्जाम में तो वो लिखा हुआ आएगा, बट इट इज बेटर टू से ई, अदरवाइज एम का मतलब मेटल हो जाता है। ठीक है, EX4 कैसे स्ट्रक्चर देंगे बेटा? ये टेट्राहेड्रल है ना, जैसे CCl4 को लिखे तो वो टेट्राहेड्रल है, बाकी बॉन्ड एंगल तुम जानते ही हो। सिलिकॉन को देखे तो वो भी SiCl4 वो भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है। अब क्वेश्चन ये था इससे रिलेटेड कि कार सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बट कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन नॉट, वाई? ठीक है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। हाइड्रोलिसिस समझते हो ना, यस मैम। एडिशन ऑफ वाटर। अच्छा, एक और बात नोट करना कि जब भी आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड आते हैं ना, तो उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, और जब वर्ड डिजॉल्व यूज करते हो ना, या सॉल्यूबल यूज करते हो, तो वो आयनिक कंपाउंड के लिए करते हो। ठीक है, तो कार्बन सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की हाइड्रोलिसिस हो सकती है और कार्बन टेट्राक्लोराइड की नहीं हो सकती। पहले तो देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। इसको येलो कलर से ले लेते हैं। देखो, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड मैं ऐसे लिख लेती हूँ, पता है मुझे टेट्राहेड्रल है, बट सिंपली फॉर द सेक ऑफ रिएक्शन हम ऐसा लिख रहे हैं। अब दे दिया हमने इसको वाटर, हाइड्रोलिसिस करना है, तो बेटा सिलिकॉन के पास अवेलेबल है वेकेंट डी ऑर्बिटल, सबको पता है, पता है ना बच्चों? वो यस मैम। तो है बच्चों, इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल। अब वाटर के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है ना, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके वेकेंट डी ऑर्बिटल में डाल देता है। जो अपना वेकेंट डी ऑर्बिटल, ये ऐसे Cl Cl एंड Cl, तो क्या होगा ना, वाटर का ऑक्सीजन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। दो इस पे इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिलिकॉन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये तो अनस्टेबल है भाई, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने के लिए हाइड्रोजन बाहर चला जाता है। इधर सिलिकॉन भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहता है, इसको वॉकअप बोलते हैं ना। Cl बाहर चला गया, तो क्या चला हमारे पास? चला गया। अच्छा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा रहा है, ये दे के जा रहा है, और बाहर नहीं दिखाते इसको, हम ऐसा दिखा देते हैं कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे दे दिए। ठीक है, तो ये बाहर निकल गया, रिएक्शन में से बाहर क्या चला गया? HCl। अब देखो, Si के साथ एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, यहाँ पे क्या बच गया? बच। और ये प्रोसेस ना 3 टाइम्स होती है, जितने आपके पास Cl है ना, ये आपको रिएक्शन भी आता है जब सिलिकॉन्स पढ़ते हो ना, मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगी आपको इसका कैसे रिएक्शन आया हुआ। 3 Cl है ना, जितने Cl है आप उसमें इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डाल दो, तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर डाल दिए, तो अब सिलिकॉन के जितने क्लोरीन थे वो सारे किससे रिप्लेस हो गए? OH से रिप्लेस हो गए। OH। हाँ, और उसके बाद 3 HCl रिलीज हो जाएंगे, है ना, फर्स्ट स्टेप में एक हुआ था। अब देखो यस जरा, मैम। अब इसमें बेटा इसका नाम है सिलिसिक एसिड। ठीक है, अब अगर यही काम हमें कार्बन में करना हो, यहीं पे कर लेते हैं क्योंकि आंसर तो नो रिएक्शन ही आना है,
इस यही काम हमें सेम कार्बन टेट्राक्लोराइड में करना हो, तो कार्बन के पास क्या वेकेंट डी ऑर्बिटल है? नो मैम, नो नो, मैम, तो यहाँ पे लिख दो मैं सीधा ही, नो वेकेंट डी ऑर्बिटल. सो कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इसलिए इसकी हाइड्रोलिसिस कोई नहीं. This is the difference between the carbon tetrachloride and the silicon tetrachloride. Is that clear? एक question और करा देते हैं, फिर थोड़ी से पोल के question लेते हैं. बताओ इसमें कोई doubt तो नहीं है? ये तो वैसे आता है. बच्चा next question है इसका. देखो ध्यान सुनना, ये भी important question है बहुत. देखो मैंने कैसे लिखा है इसको, NCH3 thrice. NCH3 thrice अमोनिया जैसा है ना, बस मैंने हाइड्रोजन की जगह किसको लिखा है यहाँ पे, मिथाइल ग्रुप को. तो इसका नाम है ट्राई मिथाइल अमीन. क्या नाम बन गया इसका? ट्राई मिथाइल अमीन इस पिरामिडल वाइल. अब इसके साथ क्या लिख दो? NSIH3 thrice, मतलब बस कार्बन की जगह सिलिकॉन लिख दिया. इसका नाम क्या है? ट्राई सिलाइल अमीन. ट्राई सिलाइल अमीन इज द प्लैनर टीपी की तरह. वाई सोचो तो क्या हो, क्यों हुआ ऐसा? कार्बन और सिलिकॉन तो एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, तो उनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, सब कुछ सेम है, पर एक की स्ट्रक्चर पिरामिडल आ रही है, दूसरे की स्ट्रक्चर प्लैनर आ रही है. ये कैसे हो गया भाई? देखो इसका आंसर क्या है. जब आप ट्राई मिथाइल अमीन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे ना. यहाँ पे yes, तो ma'am. है ही नहीं है, यहाँ पे तो पिरामिडल नजर भी आ रहा है ना, अमोनिया की तरह ही है, ये तो पिरामिडल ही है. जबकि जो ट्राइसिलाइल अमीन है वहां पे देखते हैं क्या होता है. ट्राइसिलाइल अमीन के केस में फिर से सिलिकॉन के पास है वेकेंट डी ऑर्बिटल, अमोनिया के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये क्या करता है ना, डी में इलेक्ट्रॉन दे रहा है. अब ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है? देखो ध्यान से, ये बॉन्ड बना रहा है सिलिकॉन का वेकेंट 3D और नाइट्रोजन का 2P. इसे बोलते हैं डी पाई पी पाई बॉन्ड. तो जब ये ऐसी बॉन्डिंग करेगा तो इसको ऊपर नहीं उठना पड़ेगा थोड़ा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, उससे स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट नहीं होना पड़ेगा. तो जब डिस्टॉर्ट हो गया ना तो ये स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा हो जाता है, मतलब तो प्लेनर जैसा दिखने लग जाता है. SIH3 SIH3 SIH3. और यहाँ पे कौन कितने बॉन्ड आ जाते हैं? डबल डबल लगा देती हूँ एक पे थोड़ा पार्शियल ना, तो ऐसा बॉन्ड बन जाता है. और ये कैसा चेंज हो जाता है? ट्राइगोनल प्लैनर. यानी कि इसका आंसर ये है, ड्यू टू डी पाई पी पाई बॉन्डिंग इट टर्न्स टू अ ट्राइगोनल प्लैनर स्ट्रक्चर. इसका आंसर क्या लिखोगे? नाइट्रोजन डज नॉट हैज वेकेंट डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल है ना, नाइट्रोजन के पास तो ये ऑर्बिटल ही है नहीं, इसलिए नाइट्रोजन कैसे दिखेगा? ट्राइमिथाइल अमीन वो आपको दिखेगा एज इट इज पिरामिडल. हाँ जी बिल्कुल, पिरामिडल दिखेगा जस्ट लाइक द अमोनिया. यहां तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई? नो मैम. चलो अब ले फिर थोड़े से इसके क्वेश्चन, ताकि पता लग जाए कि कितना समझ आया हमारे बच्चों को. yes. पहला क्वेश्चन है बेटा, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग. सोच समझ के आंसर देना इसको, आता है तुम्हें ये क्वेश्चन, आई नो यू नो दिस. फॉर्म क्रॉस लिंक्ड, ये क्रॉस है, क्रॉस
linked polymeric silicones. First option is R3SiCl. Second option is R2SiCl2. Third option is RSiCl3. And fourth option is R4Si. Chalo, let me generate a poll and check out kaise karte ho. Chalo beta. No problem. If you are having any problem in submitting the poll, you can write the chat box answer. No problem. Okay, everybody has not participated. देखो पहले तो सिलिकॉन या पॉलीमर्स होते ही कैसे हैं. अभी हमने हाइड्रोलिसिस करी थी ना, बिल्कुल सेकंड लास्ट क्वेश्चन था. अब जैसे ये होगा ना फर्स्ट वाला कंपाउंड, सिलिकॉन के साथ थ्री तो है आर ग्रुप्स और एक सीएल है. जब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करूंगी तो एक ही मॉलिक्यूल वाटर का लगेगा, तो सिलिकॉन आर 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 और ओ एच आ जाएगा. अब बेटा क्या होता है ना, यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन होता है पॉलीमर फॉर्म करने के लिए, यानी कि दो ऐसे कंपाउंड आपस में कंबाइन करेंगे. अब देखो दूसरे ओ एच को भी आप इधर की फेसिंग करके ऐसे ही लिख लें, एस आई आर आर एंड आर. अब इसमें से क्या होगा, लॉस ऑफ द वाटर आ जाएगा. तो ये जो लिंकेज आ गई ना आपके पास, ये वाली लिंकेज ओ एस आई आर आर आर, तो ये सिलिकॉन्स है, ये पॉलीमर्स है, ये लिंकेज है. अब इसमें तो डाइमर ही बन पाया क्योंकि और ओ एच ही नहीं हो सकते. अब इसमें दो सी एल है तो एक को इस साइड ओ एच दे दो, एक को इस साइड ओ एच दे दो, तो लीनियर चेन बन जाएगी. पर जब तुम थ्री वाला लेते हो ना, थ्री वाले में देखो क्या होगा, लेट मी शिफ्ट द स्लाइड. थ्री वाले में आपके तीन ये किससे बनेगा, एस आई सी एल थ्री, जो आर है ना वो तीन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जब ले लेगा, माइनस थ्री एच सी एल जब हो जाएगा, तो इसमें कितने ओ एच लग जाएंगे, देखो इसमें तीन ओ एच लग जाएंगे और एक आर लग जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. एक आप इस साइड से ले सकते हो ओ एच वाला कंपाउंड,
एक आप ओएच वाला इस साइड से ले सकते हो, एक आप इस साइड से ले सकते हो, तो क्रॉस लिंक्ड बन जाएगा या नहीं बन जाएगा बताओ, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर थ्री, ऑप्शन नंबर फोर में तो था ही नहीं। करेक्ट आंसर है, काफी बच्चों ने दिए। लेट्स चेक इट आउट द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट में देख लेते हैं, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड ऑफ कार्बन इन, सॉरी ग्रेफाइट एंड डायमंड रिस्पेक्टिवली। तो पहला आंसर है sp3 sp2, दूसरा आंसर है sp2 sp3, थर्ड आंसर है sp2 sp2 और फोर्थ आंसर है sp3 sp3। Same number of students are always participating. Everybody is not doing. तो इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें तुम लोगों ने गलती की है। 16 स्टूडेंट्स का रॉन्ग आंसर है क्लास में से। ये तो बहुत ईजी था बेटा, ग्रेफाइट में sp2 होती है और कार्बन डायमंड में sp3 होती है, ये कैसे गलत हो गया आप लोगों का। And why the rest are not participating? पलक ने भी दो आंसर भेजे हुए हैं, ऑप्शन नंबर थ्री एंड ऑप्शन नंबर वन बोथ। चलो एनी हाउ, तो दिस इज ऑल ओके बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द टुडे। रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थोड़ा सा पी ब्लॉक का पोर्शन बचा है, देन विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। ओके यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू।